सब्सक्राइब माई इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि टॉयलेट्स के अंदर सैनिटरी फिक्सर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और इसमें WC को और वाइश बेसन को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, उसमें जो हमारे पास क्या क्या जो एक्सेसरीज़ हैं वो हमारी रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह उसको लेवल किया जाता है और किस तरह उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करके अपना फिनिशिंग की जाती है उसकी। तो इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको, ये देखें, सबसे पहले जो हम एंगल वॉल्स वगैरह लेंगे उसके ऊपर हम लोग अच्छी तरह टेफ्लॉन लगा लेंगे और अगर हमारे जो पॉइंट्स है, जो PPR के पॉइंट्स है वो अगर डीप में है थोड़े, तो उसके लिए हम CP निपल जो है या एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह जैसे हम यहाँ पे देखें एक्सटेंशन को लगा के यहाँ पे इस पर टेफ्लॉन टॉप लगा रहे हैं, इसको रेडी करके रख रहे हैं। ये देखें, इससे हमने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दी। तो एक्सटेंशन लगाने के बाद जो है हम दोबारा इसको अच्छी तरह टेफ्लॉन करेंगे तो ताकि इसके वजह से कोई भी पानी की लीकेज ना हो सके और जो प्रॉपर जो है हमारा जो एंगल वॉल है वो वाइश बेसन के लिए प्रॉपर टाइट हो सके। तो ये देखें आप, ये जो हमारे PPR के पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं इसको अच्छी तरह और ये देख सकते हैं आप, इसको रेंज की मदद से हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि किसी भी तरह जो है लीकेज का ख़तरा ना रहे। और इसकी जो पीछे बैक प्लेट होती है इसको हम अच्छी तरह सिलिकॉन लगा के बंद कर सकते हैं ताकि कोई बीच में उसके गैप ना रहे। और व्यूअर्स, टाइट जब हम एंगल वॉल को टाइट करते हैं तो टाइट करते वक्त इस बात का जो है ख्याल रखें कि आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए, एक अच्छा टेक्नीशियन को इस बात का अंदाज़ा होता है कितनी ताकत लगानी है उस पर, किस तरीके से आपने उसको टाइट करना है, कौन सी जगह पर जो है जाके इसका जो फेस है जो जहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप लगेगा वो इस तरह ऊपर आना है। तो ये आप देख सकते हैं, तो रेंज की मदद से अच्छी तरह हम टाइट कर लेंगे। तो ये इस वक्त ये अच्छी तरह टाइट हो गया है, बस ये लास्ट स्टेज पे ये है, इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लाइट करके ऊपर लेके आना है, अपनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, इससे ये डैमेज हो सकता है। तो ये इस वक्त देखें कितने प्रॉपर तरीके से इसने पैक किया है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये फिशर हैं वाइश बेसन को जो है हैंग करने के लिए, ये इसका ड्रेन पाइप है जो हमारे पास बटर ट्रैप होता है या पी ट्रैप जो भी होता है, इसका ये ड्रेन पाइप है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं PVC का बना हुआ ड्रेन पाइप है, ये डायरेक्ट पाइप के अंदर जाके अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये हैंग करने के लिए वाइश बेसन को जो है हमारे पास फिशर हैं जो वॉल में जाके ये अच्छी तरह से अंदर टाइट हो जाएगा। ये हमारे पास 12 mm के हैं, ये 12 mm की जो हमारे पास जो ड्रिल है वो यूज़ होगी और 12 mm हम जो है इसमें 10 cm जो है इसमें ड्रिल करेंगे, उसके अंदर ये फिशर डालेंगे, उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो इससे देखिए, हम अभी वाइब्रेशन को फिक्स कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टैंड को लगा दिया है। स्टैंड लगाने के बाद देखें इसकी बैलेंसिंग क्या है, सबसे पहले हम ये मार्किंग करने से पहले जो है स्टैंड रखेंगे वाइब्रेशन का। स्टैंड रखने के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है इसका सिंक आएगा, ये देखें सिंक रखेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे हिल ना रहा है, बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे साइज़ में, क्लाइमेट में, ये देख सकते हैं हम। क्योंकि कभी कभी वाइश बेसन में जो आपको पता है स्मॉल मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से ये वाइश बेसन जो है हल्का फुल्का होता रहता है, तो उसको हम सिलिकॉन की वजह से जो है हम जो है उसको सिलिकॉन की वजह से इसको फिक्स करेंगे। अभी हम जस्ट उसको रख के देख रहे हैं, उसका अलाइनमेंट, डायमेंशन, डिस्टेंस उसका सब यहाँ ले लेंगे। लेने के बाद जो है हम इसको नीचे से मार्किंग करेंगे पेंसिल से, इसका जो पेडिस्टर है इसकी मार्किंग करने के बाद इसको देखें, अभी इसको एडजस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप दोनों साइड से इसका बैलेंस लेंगे, क्योंकि वाइश बेसन की फिक्सिंग की इसकी असल खूबसूरती है। और वाइश बेसन को फिक्स करने से पहले इसमें तमाम एक्सेसरीज को आप इंस्टॉल कर लें, जिसमें मिक्सर है, टैब्स हैं और अपना हमारे पास ड्रेन है वाइश बेसन की, और जो हमारे पास ड्रेन लगी हुई है, ये बैलेंस चेक कर रहे हैं टाइल की मदद से। अच्छा, हम जो है वाटर लेवल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा,
ज़्यादा बेहतर ये है कि हम उसको वाटर लेवल जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर का वो यूज़ करें, उससे हम अच्छी तरह लेवल कर सकते हैं। तो ड्रिल करने से पहले जो है, हैंग करने से पहले इसको प्रॉपर फिक्स किया जाएगा और देखा जाएगा उसका बैलेंस। उसके बाद हम जो है अपनी पेंसिल से इसको मार्क करेंगे ड्रिल की जहाँ पे हैंगिंग वाली जगह पे, यहाँ पे हमें हैंगिंग की फिशर लगानी है। देख सकते हैं ये रेफरेंस यहाँ पे हल्का सा पेंसिल से रेफरेंस दे दिए, देखिए ये रेफरेंस, ताकि वाइप से हटाने के बाद भी जो है हमें वो रेफरेंस पता हो उसी लेवल से। हम इसको अब ये देख सकते हैं नीचे जो उसके जो होल्स होते हैं फिक्सिंग होल्स, ये देखें उसको मार्क कर रहे हैं अंदर पेंसिल से अच्छी तरह, ताकि अभी देखें ये पेडिस्टर को, ताकि अब दोबारा इसको हटा के दोबारा लगाया जाए तो प्रॉपर तरीके से जो है इसको इंस्टॉल किया जाए। देखें पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। किसी भी अच्छे टेक्नीशियन की ये निशानी होती है कि कोई भी काम ड्रिल वगैरह करने से पहले सब काम जो है प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें आप ये सब को रिमूव कर दिए, पेंसिल के निशान हमारे पर मौजूद हैं, इसकी टाइल चेक कर ली, जैसे जैसे वाइब्रेशन हमारे साइड पर रख दिए, सिलिकॉन है हमारे पास, वाटर मीटर जो हमारे मेज़र इसकी जो हमारे पास जो एक्सेसरीज हैं सब अवेलेबल हैं और तमाम टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखें पेंसिल का मार्क है, अब उस मार्क पे वो अच्छी तरह क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले तो देखें इसने इसको ढक दिया है, ताकि ये हम अब ड्रिल स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये देखें 10 mm का हमारे पास ड्रिल है, उसका हम 12 mm का ड्रिल है और 8 mm तक इसी डीप में जाएंगे। नजर में आप हेल्थी ड्रिल है, बहुत हैवी ड्रिल होती है, अभी हमारे कंक्रीट की वॉल है इसमें कितनी आसानी से देखें ड्रिल कर रही है। बर्मा भी हमारे पास बहुत अच्छा वाला लगा रहा है। तो ये मार्किंग का ये फ़ायदा होता है कि आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर तरीके से जो है ड्रिल हो रही है। वाइज फैशन में भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर तक या 0.5 सेंटीमीटर तक की गुंजाइश होती है, जिसमें हम हल्का सा वाइज फैशन को अप डाउन करके मूव कर सकते हैं मामूली कह लेंगे। तो आप इसमें एंगल वाल को अच्छा प्रोटेक्शन कर लें, ताकि कोई भी रेत वगैरह का ज़रूरत के अंदर ना जाए, उसको दोबारा आपको फिर खोलना ना पड़े। देखिए इसके अंदर फिशर को यहाँ प्रेस कर दिया है, दूसरा फिशर को भी यहाँ पे देखें इसमें प्रेस कर दिए। प्रेस करने के बाद हम ये देखें इसमें देख सकते हैं रेंच से हम जो है इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। तो फिशर जो फिशर इस तरह से बना हुआ है, डिज़ाइन से बनाए कि जितना इसको पहले टाइट करेंगे तो इसी तरह ये कंक्रीट की वॉल या ब्लॉक वॉल में अच्छी तरह फंस जाएगा, यानी अच्छी तरह टाइट हो जाएगा। देखें इसकी हमने वॉशर भी निकाल दिए, इस तरह इसको भी टाइट करेंगे, देख सकते हैं। अच्छी तरह इसको जो है टाइट करिए, टाइट करने के बाद इसको लूज़ करके आगे जो है बोल्ट को निकाल सकते हैं आप, नट बोल्ट को देते हैं ये। अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, ताकि जब हम सिलिकॉन लगाएंगे तो किसी भी तरह से कोई इसमें कचरा ना आए। यही देखें हमने इसके अंदर डाल दिया, ये ड्रेन जो है हमारे पास बॉटल ट्रैप का जो है, बॉटल ट्रैप हमने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर दिया है जो वाइज पेशन कर सेंगे। अब ये देखें जो मार्किंग की थी उसके अंदर अंदर जो है हम उसको सिलिकॉन लगाएंगे। जो मार्किंग की है उसका ये फ़ायदा देखें, और देखें मार्किंग से थोड़ा अंदर रखेंगे क्योंकि वाइज पेशन फिक्सिंग के वक्त जो है थोड़ा बहुत हिलता रहता है, तो इस तरह सिलिकॉन हमारा बाहर जो है नज़र नहीं आएगा। इस पर हम देखें अपना पेडिस्टल स्टैंड जो है ये यहाँ पे हमने इसी डिजाइन उसके हिसाब से मार्किंग की थी रख दी है, और रखने के बाद देख सकते हैं अब हम इसको अपना इसका जो सिंक है इसके अंदर ही देखें वाटर ट्रैप इंस्टॉल हुआ है, इसके अंदर डाल के उसके जो हमारे पास हैंगिंग पॉइंट्स हैं हैंगिंग पॉइंट्स को मैच करने के बाद
चीज़ देख सकते हैं आप, उसके अंदर फिट कर दिया। फिट करने के बाद ये स्टैंड पे बैठ गया, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर से हम इसको पहले तौर सबसे पहले काम ये करेंगे, अंदर से इसको होल्ड वो इसकी नट बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देंगे ताकि गिरने का खतरा ना रहे। ये देख सकते हैं आप, अगर हम स्टेप बाय स्टेप का जो है वर्क करेंगे, सबसे पहले हमने एंगल वॉल लगाया, मार्किंग कर ली, उसके बाद हमारा वाइज बेसन मैक्सिमम इंस्टॉल होने में मैक्सिमम जो है 15 मिनट हमें चाहिए होते हैं, 10-15 मिनट और मे बी मोर, यानी मैक्सिमम 20 मिनट हमें चाहिए होंगे, उसमें हम प्रॉपर तरीके से अपना वाइज बेसन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, दोबारा से इसके साइज़ बिल्कुल बराबर टाइल से, उसकी मूवमेंट पेडिस्टल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, देख सकते हैं, ताकि कहीं से भी इसमें मूवमेंट बाकी ना रहे। अब ये तकरीबन हमारे टेक्नीशियन ने इसको प्रॉपर तरीके से जो है बिठा दिया है, देख सकते हैं आप। जब बिल्कुल टेक्नीशियन को इत्मीनान हो जाएगा कि ये वाइज बेसन बिल्कुल ही अलाइनमेंट के अंदर बैठा है अपना, तो वो अंदर से इसको रैन से टाइट कर देगा, टाइट करने के बाद वो अपने यहाँ पे प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। अभी देखें टाइट करने लग गया है, ये टाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखें देख सकते हैं एक ही साइड से। इसमें हमारे पास छोटा वाला रेंज हमें चाहिए होता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है, तो बहुत प्रॉपर तरीके से जो है हमें इसको टाइट करना पड़ता है। और हमें छोटी वाली चाबी यानी छोटा वाला जो है हमारे पास रैंच या स्पैनर चाहिए होता है, इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। और इसको इस हिसाब से टाइट करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, ये ना हो कि वो उसमें क्रैक आ जाए या वो जो है जो जिस ये मिट्टी से बनाता है वो टूट जाए। दे सकते हैं इसमें रबर की सील दी गई है जो पाइप के अंदर जाएगी, इस तरह ये जो इसके ऊपर प्लेट है इसके ऊपर आ जाएगी, आने के बाद ये साफ सुथरा एक लुक आपको नज़र आएगा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं अपना कितनी आसानी तरीके से जो है वाइज बेसन को इंस्टॉल किया है। और वाइज बेसन इंस्टॉल करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है, आपने जो वॉल्स के अंदर आपके फिटिंग्स है, जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की फिटिंग्स है, उसकी ड्रेनेज की जो हाइट्स है, इसको ज़रूर आप जो है फॉलो करें, जो आपके पास एज अप्रूव ड्राइंग है या इसकी जो कैटलॉग है उस हिसाब से आप इसकी ड्रेनेज वगैरह को और उसकी हाइट्स को मेंटेन कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें यहाँ पे इसको टाइट कर दिया है, कोल्ड एंड हॉट वाटर के फ्लेक्सिबल को। अब ये देखें इसके जो होल्स वगैरह हैं इस बारे तो वॉल में, ताकि कोई पानी की लीकेज वगैरह ना, उसको यहाँ से देखें आप, इसको सिलिकॉन लगा के इसको प्रॉपर तरीके से जो है बंद कर देंगे, तो इससे क्या है जो लुक है वो और अच्छी आएगी। ये देख सकते हैं आप, इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद ये देखें आप, इसको बहुत ही एहतियात से जो है इसको, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मैले हाथ ना हो, इसको आप काम करने से इसमें आपके जो धब्बे उसमें रह जाएंगे। देखें आप इसके जॉइंट्स को इस तरह वाइट सिलिकॉन से आप क्लोज कर देंगे, ये एरिया को देखें वाइट सिलिकॉन से क्लोज कर देंगे, तो आफ्टर 24 आवर ये सिलिकॉन जो है पूरी तरह मजबूती से इसको पकड़ लेगा। तो व्यूअर्स, मेरे जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप, और बेल आइकन को प्रेस करें, तो न्यू अपकमिंग वीडियो कोई आपसे मिस ना हो। ऐसे जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ताकि वक्फन फवक्फन जो है आपको इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो देखने को मिलती रहें। अगर हो सके तो आगे के ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर करें। देख सकते हैं वाइज बेसन जो है इसकी कम्प्लीट इंस्टॉलेशन हो गई है।
आप राइट साइड से भी देख सकते हैं। ये देखें इंस्टॉल हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसका बॉटल ट्रैप है, कार्टन से भी निकाला है, पहले आपको मैं दिखा नहीं सका था। इसका ये फ़ायदा होता है कि जितना भी वाश बेसन का कचरा होता है इसके अंदर जमा हो सकता है, और जमा होने के बाद आप इसको आसानी के साथ इसको ऊपर से रिमूव करके देखें इस बॉटल को क्लीन कर सकते हैं, तो इसमें आपका जो कचरा है ड्रेनेज लाइन में जाने से बच जाता है।